हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सभी लोगों को मैं आज बालों के तेल की रेसिपी बताने वाला हूँ। आप सभी देख रहे हो दोस्तों, ये सब में जो तेल है ये बहुत ही पावरफुल तेल है, बहुत ही अच्छा तेल है ये जो मैंने घर पे बनाया है। और आप सबको भी बताऊंगा मैं आज किस तरह से बनाते हैं इस तेल को। ये देखिए, ये जो तेल है बहुत ही अच्छा है बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, और नए बाल भी आ जाएंगे इससे। तो इसके लिए मैं आज आपको इस तेल की रेसिपी बताऊंगा, बहुत ही अच्छी शानदार रेसिपी है। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तेल की रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो चीज़ बताते हैं आपको। इसकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें बालों के तेल के लिए, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है ये, मैंने ट्राई कर रखा है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, हम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। हमें कलौंजी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी कलौंजी लेनी है, कलौंजी। उसके बाद थोड़ी सी मेथी, मेथी दाना, सूखी वाली मेथी ये वाली, और इन दोनों को पीस के रखना है। तो इस तरह से हमने पीस रखा है मिक्सी में डाल के, और थोड़े से नीम के पत्ते, जो मीठा नीम है वो चाहिएगा बस। और एक दो तीन कैप्सूल ये चाहिए विटामिन ई के, इवियन। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी, तो सरसों का तेल के साथ करेंगे। चलो शुरू करते हैं, हम गैस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सरसों के तेल को गैस पे चढ़ाना पड़ेगा, उसमें सब मिक्स करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने गैस ऑन किया और गैस के ऊपर थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल दिया। मेरे को जितना बनाना है उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं। दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हल्का हल्का धुआं निकलने लगा है और उबाल आने लगा है। ये उबाल आ रहा है तब तक हम सारी चीज़ों को डाल देते हैं इसमें, मिक्स जो भी मिक्सर बनाया हमने, मेथी का और कलौंजी का दोनों डालेंगे इसमें। चलो ये डालते हैं, हम डालेंगे कलौंजी जो हमने मिक्स बनाया था। तेल गर्म हो रुका है, गैस के आँच को कम रखना है, और मेथी डालेंगे साथ में, दोनों चीज़ों को डालेंगे। और अभी कड़ी पत्ते अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा टाइम बाद में डालेंगे कड़ी पत्ते, 5 मिनट, 2-3 मिनट के बाद डालेंगे। अभी इसको उबलने देते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से पकने देते हैं तेल को। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है दोस्तों, एक बार आप यूज ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी, मैंने यूज कर रखी है, बहुत ही फायदा देती है। थोड़ा उबाल आता है, फिर उसके बाद कड़ी पत्ते डालते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, अभी देखो कितना सारा जल रहा है, कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं इसमें थोड़े से, कड़ी पत्ते जल गए, इसको जलने देना है दोस्तों। देखिए तेल पूरा काला हो गया है, काला पड़ने लग गया है, सारा जलने लगा है। अब हम तेल को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उबाल का भी हो चुका है हमारा लगभग, अभी हम बंद करेंगे इसको, गैस को। बस गैस बंद हो गया हमारा, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर एक कांच की मंडी में डालेंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए तेल को। तो दोस्तों, हमारा तेल ठंडा हो चुका है, देखिए ऐसा तेल बनना चाहिए ऐसा। कलौंजी बिल्कुल इसमें काली हो चुकी है, मेथी कलौंजी दोनों, और तेल देखिए बहुत ही शानदार बना। इसको हम कांच की, कोई कांच का जार या बरनी जो भी है, कांच वाले बर्तन में लेंगे और इकट्ठा करके रख देंगे। चलो हम कांच के बरनी में निकालते। तो दोस्तों, हमने एक कांच की बोतल में तेल को ले लिया है, बोतल जार जो भी है आपके पास उसमें कांच वाले बर्तन में तेल को ले लेना है, और ठंडा होने के बाद डाल देना। और इसके बाद इसमें और भी एक चीज़ डालनी है लास्ट में आपको डालना है, ये 2 कैप्सूल मैंने डाल दिए,
विटामिन ई के दो कैप्सूल डाल देने आपको, ठीक है। आप ग्रीन वाले भी डाल सकते हो, ग्रीन वाले कैप्सूल, मैंने दो कैप्सूल इसी में तेल में डाल दिए। और फिर आप एक ढक करके रख दीजिए इसको, डेली लगाइए तेल को, और अपने बालों में हल्की हल्की मसाज कीजिएगा काफ़ी टाइम के बाद। अगर यूज करेंगे ना आप, तो आपके बालों की ग्रोथ होगी और बाल नए भी आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने यूज कर रखा है, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर पसंद आएगी आपको। यूज करके देखिए आप एक बार इसको। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।